आजकल परिवर्तन के नाम पर राजनीति प्रचलित है, लेकिन आप ही बताइए, परिवर्तन किस प्रेम कहानी में नहीं होता? क्या हम सब अपने प्रेमी के लिए थोड़ा थोड़ा बदलते नहीं हैं? प्रेम और राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम को राजनीति क्या हरा सकती है? नहीं ना। लेकिन क्यों राजनीति आड़े आ गई प्रेम के बीच में? कुछ ऐसे ही शीशे जैसे पारदर्शी, स्वच्छ, सुंदर सत्य को दर्शाने वाले प्रेम को राजनीति से जंग लड़नी पड़ रही। ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि जीतता कौन है। बहुत सारी आपने फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन जीत किसकी होती है और देखते हैं इसमें भी कौन जीतता है। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव स्टोरी जो वैलेंटाइन डे पर बहुत खास है। जैसे अपने पसंद से दूसरी धर्म में शादी की है, तो आपको कितना बदल अपने लिए बदलना पड़ा, या अपने पति के लिए बदलना पड़ा, या धर्म को लेकर के कुछ चीजें ऐसी हुई कि जो आपको नहीं करनी हुई? तो जब हमारी दोस्ती हुई थी तो हमने धर्म नहीं देखा था वैसे कि आप किस धर्म के हैं या मैं किस धर्म की हूँ। हम लोगों ने प्यार किया है और वैसे विशेष मैंने कुछ नहीं बदला है। जिस तरह वो हैं उनको मैंने स्वीकारा है और जिस तरह मैं हूँ मुझे उन्होंने स्वीकारा है। मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। अगर मुझे जो भी करना है, अगर मुझे कुरान पढ़ना तो मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने रामायण गीता भी पढ़ा, तो मैं कभी सूट पहनती हूँ, कभी साड़ी पहनती हूँ, कभी बिंदी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। पर कुछ चीज़ें हाँ मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि रंग लगाना है, सिंदूर डालना है, ये चीज़ मैं शुरू से, या कहें कि पता नहीं मेरे अंदर से पहले से भी ये चीज़ थी कि मैं कभी सिंदूर नहीं डालती थी। अगर डालती भी तो बहुत पतला डालती थी, समाज को देखते हुए पहले डालती थी और बालों में ढक लेती थी। लेकिन पहले से भी मेरा श्रृंगार को लेके या पहनावों को लेके कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं जैसी हूँ उसी तरह रहती हूँ, उसी तरह मैं रहूँगी आगे। कुछ भी ऐसा किया आपने कि आपको लगता कि इनको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसा करूँगा? मेकअप के लिए वो बोला करते हैं कि मेकअप नहीं करती हो, और वो भी कहेंगे कि रात में मेकअप करो, तो इसलिए भी मुझे बहुत गुस्सा लगती है कि मैं रात में क्यों मेकअप करूं। अगर मैं मेकअप करूंगी तो मैं, मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं सब जगह मेकअप करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं करूंगी। ऐसे जिस तरह मैं हूं उसी तरह आप मुझे प्यार करिए, उसी तरह से आप मुझे पसंद करिए। बाकी ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सजूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल बनूँ, ये नहीं मुझसे होगा और ना मैं करती हूँ। अगर हमें रिश्ता निभाना है तो हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की बातों को भी मानना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम दोनों की बातें नहीं हम एक दूसरे की मानते हैं, तो थोड़ी थोड़े दिन मन मुटाव रहेगा, बाकी प्यार के बीच हाँ। ये बताइए, जैसे आप जिससे प्यार करती थी, उसके प्यार में आपने अपने आप को क्या बदला, अपने को कितना बदला, क्या बदला? मतलब जब मैं उनसे प्यार करती थी तो मेरा पहनना ओढ़ना उनको भी अच्छा लगता था और अच्छे से रहती भी थी, कपड़े भी अच्छा पहनती थी, शौक श्रृंगार भी अच्छा करती थी। मगर जब से मेरी शादी हो गई, उनके साथ मैंने शादी कर लिया, तो उनको हर चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगने लगी। अगर कभी कुछ पहन लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, तो कहने लगते हैं कि क्यों पहनी हुई, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और काम भी करती थी मैं, आज भी कर रही हूँ, कल भी करती थी, तो उनको सब कुछ अच्छा लगता था। आज वो कहते हैं कि तुम काम छोड़ दो, मैं कहती हूँ कि आप कमाओ तो मैं अपना काम छोड़ दूँगी। किन किन चीज़ों को आपने अपने छोड़ दिया उनके प्यार में? मतलब जो पहले जिस तरह रहती थी उस तरह अब रह भी नहीं पाती हूँ, और जो उनको अच्छा लगता है वही करती हूँ। तो पहले मैं सूट पहनती थी, अब साड़ी पहनती हूँ कि इनको अच्छी लगती है साड़ी, इसलिए मैं अपना साड़ी ही पहनती हूँ। कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है तो वहाँ भी नहीं जा पाती मैं, इसलिए कि उनको पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगी जाके। जब अगर वो भी मेरे साथ जाएंगे और कोई कुछ बोल देगा और मैं अच्छे से रहूँगी, वो नहीं रहेंगे, तो फिर क्या मतलब है जाने का वहाँ? तो इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ, ना उनको ले जाती हूँ ना मैं खुद जाती हूँ। जब से आप एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कितना बदला है आपने और आपके प्रेमी ने खुद को? जब से मैं सोचती हूँ मैं नहीं हूँ, तब से मैंने अपने अंदर थोड़े बदलाव किए हैं ताकि हम दोनों के बीच जो सामंजस्य है वो अच्छे से बैठा रहे।
और मैंने थोड़ा उसके धर्म को लेकर के ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया है। मैं उसके धार्मिक चीजों को फॉलो करने लगी हूँ। कभी अगर उसको व्रत रखना होता है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं उसका व्रत का खाना अलग से बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, उसमें कोई छुआ मतलब नहीं, कुछ अलग छू पाया हंडाया कुछ भी मान सची। और वो भी इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि जब मेरे रोजे चल रहे होते हैं तो वो मेरे टाइम से मेरे लिए अफ्तार दूर होता है तो ऑनलाइन भेजना, अगर पास मिले तो खुद से बना देना। तो हम लोगों ने पॉजिटिव बदलाव एक दूसरे के अंदर किए हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा अपना अपना धर्म है और हमको उसके धर्म में और उसको हमारे धर्म में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने खुद को इस तरीके से इस रिश्ते में रखा हुआ है कि मैं अपने धर्म को पूरी तरीके से पालन करूं और वो अपने तरीके से पालन करे अपने धर्म का। और बदलाव की बात रही तो जब हम साथ होते हैं तो थोड़ा ऊंच नीच और होता है, थोड़ा कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो हम चीज का ध्यान रखते हैं कि जैसे अब मुझे नमाज पढ़ना है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे नज़र के सामने कोई मूर्ति, कोई कैलेंडर, कोई बुद्ध वाली चीज ना हो। और जब वो पूजा करता है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं अपना जो गाना बजा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं उसको बंद कर दूँ। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह करके और उन चीज़ों में कमी उठाते हैं। और ये क्यों जरूरी है और कैसे आपने इसको इतना व्यवस्थित ढंग से सक्सेस किया? बिल्कुल जरूरी है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। उसके रीति रिवाज है तो वो उसको फॉलो करता है, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या अगर मैं कल को बोलूँगी कि तुम्हें मेरा धर्म अपनाना होगा तभी मैं तुमसे आगे रिश्ता चला पाऊंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। वो भी मेरे से चीज बोल सकता है कि अगर तुम मेरा धर्म अपनाओगी तो ये रिश्ता आगे चलेगा, क्योंकि ये पुरुष विधान समाज है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाके मुझे वो चीज़ करना पड़े या मुझे अपना धर्म बदलना पड़े। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं भी उसके धर्म में के बीच में ना आऊँ, अपने प्यार को इस धार्मिक तरीके से ना तोलूँ, तो ताकि आगे जाके वो भी मुझे किसी चीज़ का टॉन्ट ना कर पाए या मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स ना कर पाए अपना धर्म बदलने के लिए या अपने धर्म की चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो जिस तरह का परिवर्तन है उसको देख करके जो प्रेम के बीच में इतने सारी चीजें आ रही हैं, राजनीति आ रही है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम ध्यान रखते हैं कि हम जो ऐसी बातें होती हैं, ऐसी खबरें होती हैं और ऐसे जो न्यूज चैनल ये सब दिखाते हैं, हम उनसे थोड़ा दूर रहें। अगर कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया जाता है तो हम उस पोस्ट को जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं, हटा देते हैं कि ना हम पढ़ेंगे, ना हम इस बारे में सोचेंगे, ना हम अपने रिश्ते को उस तरीके से देखना शुरू करेंगे। तो मतलब चीज का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई भी ऐसी जो विवाद पैदा करने वाली पोस्ट हैं, खबरें हैं, वो न्यूज़ चैनल हैं, तो हम उनसे खुद को दूर ही रखें। तो सुना आपने तीनों लव स्टोरियों को, जो बहुत ही सकारात्मक, रोमांटिक और रोमांचक है। हमने पहले ही बताया कि अपने प्यार और प्रेमी के लिए खुद को बदलना लाजमी है और सब बदलते हैं, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल ने जिसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, इन प्यार भरी कहानियों जैसे सच्चा, ईमानदार और सार्थक हो सकता है क्या? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी, आशिकी अब तुम ही हो, तुम ही हो। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।